गॉड को लेकर एक बार फिर से बिग बॉस के घर में हो रही है एक्टिविटी। वहीं एक बार फिर कंटेस्टेंट्स ने किया करणवीर को टारगेट। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस 18 के घर में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां कंटेस्टेंट्स के बीच देखा जा सकता है स्पाइसी तड़का। आपको बता दें कि बिग बॉस 18 के घर में एक बार फिर से टाइम गॉड को लेकर हो रही है एक्टिविटी। दरअसल बात कुछ यूं हो गई कि करणवीर कर रहे थे रजत दलाल से बात, जहां पर वो अपने स्टेटस को लेकर बताते हैं कि मेरी मम्मा पॉलिटिक्स में है, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर्स को औरत की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं ये सिखाती हैं। तो समझ लीजिए कि मेरा कैसा होगा, मैं औरतों की रिस्पेक्ट को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वहीं रजत दलाल इसे गलत वे में ले लेते हैं, जहां पर वो दिग्विजय से डिस्कस करते हुए नजर आते हैं कि ये अपने स्टेटस का रॉब दिखा रहा है, अगर ये इस लेवल का है तो मेरा लेवल इससे ऊपर है। वहीं टाइम गॉड को लेकर एक बार फिर से बिग बॉस के घर में हो रही है एक्टिविटी, जहां पर एक बार फिर टारगेट बने हैं करणवीर। जी हाँ, ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ जहां विविन बने हेड, तो ऐसे में उनके सामने है करणवीर, ईशा, बग्गा पाजी, अविनाश और दिग्विजय, जहां पर एक बार फिर से दिग्विजय कर रहे हैं शिल्पा और करण के बॉन्ड को टारगेट। ऐसे में सिर्फ दिग्विजय ही नहीं बल्कि विवियन और ईशा भी इस पर सवाल उठाते हैं। देखा जाए तो करण वीरस का सफाई देते हैं, लेकिन फिर भी ये इनफ नहीं होता, जहां पर उन्हें स्विमिंग पूल में कूदना पड़ता है। अब तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कौन बनेगा टाइम गॉड। वहीं आपको क्या लगता है, कौन डिजर्व करता है न्यू टाइम गॉड, ये तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए देखते रहिए ये बस्सू का।